नमस्कार जी, आपका पीयूष ऑर्गेनिक फार्म खिंचाऊ कला में स्वागत है। आज हम फिर से ऑर्गेनिक फार्म शौकीन पे आए हैं। ये हमारे किसान साथी जी हैं राजेश शौकीन उर्फ बबलू, हमें बताएंगे कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी सब्जी हमारे लिए लेके आए हैं जो कि ऑर्गेनिक के साथ साथ ये कोरोना से भी हमें बचाएंगे, ये बात भी हमें बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी बताओ, आप क्या क्या लेके आए हमारे लिए। पिछले वीडियो में जो है अभी जो है लौकी के बारे में बताया था। हाँ जी। जो हमारे पास तीन तरह की लौकियाँ थी। अच्छा जी। जो आप लोगों ने देखा होगा। अब हम आपको जो है तोरी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ये देखो हमारी पीयूष ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये तोरियाँ देखो, इतनी बड़ी बड़ी। ये आपने बड़ी किस लिए इतनी छोड़ी? ये हमारी जो है ये अलग अलग वेराइटीज है। अच्छा। ये बिल्कुल कच्ची है। हाँ जी। आपका भी जो है ये देखो हमारी, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी की तोरी। हाँ, इसमें जो है ये काटने के बाद भी अंदर से भी बिल्कुल अंदर कच्ची है। आपका भी जो है इसको 10-15 दिन फ्रिज में भी रख के देख लो, तब भी जो है इसकी जो है टेस्ट में किसी प्रकार का कोई भी है अंतर नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ जी। ये फूल तोरी के ही आए हुए इतने? ये सारे जो तोरी के हैं। हमारे पास कम से कम जो है 8 से 10 तरह की जो सब्जियाँ तैयार हो चुकी है। हम डेली जो है 1 by 1 एक एक करके आपको जो है ये तोरी भी हमारे पास 3 से 4 किस्म की है। अच्छा जी। हाँ, अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से पीयूष शौकीन ऑर्गेनिक फार्म पे आपका स्वागत है। हम फिर से आपके लिए नई वीडियो लेके आए हुए हैं। आज हम राजेश जी का इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं उनसे उन्होंने क्या क्या बोया हुआ है। नमस्कार जी। हाँ जी, सुनाओ आज आप कौन कौन सी सब्जी हमारे लिए लेके आए हो? हमारे पास जो है फिलहाल जो है तीन तरह की जो है यह तैयार हो चुकी है। अच्छा जी। तो ये देखो आप। हाँ जी। ये हमारी, हाँ जी, लंबे वाली जो है। हाँ जी। और जो है इसके बाद जो है एक पेठा गिया है हमारे पास। अच्छा, ये नाम तो हमने पहली बार ही सुना है जी। हाँ, एक पेठा गिया हमारे पास, ये रही। अच्छा अच्छा, ये देखो। अच्छा, ये पेठा गिया, इसका नाम क्यों रखा जी? ये पेठे के आकार की है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और ये जो है तीसरी जो है एक गोल गिया जो बोलते हैं। हाँ जी। ये वाली गोल गिया। अच्छा जी। आए गोल गिया, ये आपके गोल पास गिया होगी। हाँ, और ये हमारे पास लंबी तीन तरह की जो गिया हमारी तैयार हो चुकी, तीन तरह की जो गिया हमारे पास रेडी है और प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल स्प्रे का ऑर्गेनिक फार्म पे हम 95 डेज के बाद मूंगफलियों को फसल को हम निकाल रहे हैं। देखिए आज हम आपको दिखाते हैं कितनी मूंगफली निकलती है एक पेड़ के नीचे से। ये देखिए राजेश शौकीन जी लगे हुए हैं। हाँ जी दिखाइए, रुकियो। अरे वाह, देखिए ये है गुजरात की प्रसिद्ध मूंगफलियाँ जो कि ऑर्गेनिक है। ये देखिए इनको कितने दिन में आपने ये फसल तैयार की है? इसका टाइम जो है 70 से 90 दिन का होता है। अभी इसको 95 डेज हो चुके हैं और अब इसको निकालने की तैयारी चल रही है।